हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको कुर्ती की स्टिचिंग बताने वाले हैं। ये भी लाइनिंग वाली कुर्ती है। इसकी कटिंग की वीडियो हमने पहले पार्ट में अपलोड कर दी है और ये अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हमने इसे पिनअप वगैरह कटिंग में अच्छे से समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब इसको सबसे पहले हमें गले की साइड से सिलना है। तो लाइनिंग वाली साइड हमने नीचे की तरफ रखी है और कपड़े की साइड को ऊपर रखा है। और सिलाई को जितना हमने शुरुआत में लिया है उतना ही आखिर तक चलाना है। इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। इस चीज़ का ध्यान रहे, जितना हमने शुरुआत में सिलाई में कपड़ा लिया है उतना ही आखिर तक लेना है। देखिए यहाँ पर हमने गले को सिल लिया है और हल्के के नोटिस लगा लेंगे। ये पूरे गले के अंदर लगाने हैं और आप चाहे तो इसमें पूरे में भी सिलाई लगा सकते हो, लेकिन हम इसमें पूरे में नहीं लगा रहे हैं। हमने पिनअप कर रखा है। आप चाहो तो इसमें आसानी से पूरे में सिलाई लग सकती है, लेकिन अब इसके हम बॉटम पे सिलाई लगाएंगे। बॉटम को भी आप जितना रखना चाहें उस हिसाब से सिलाई लगा लें। आप कपड़े पर जहां भी सिलाई लगाएं, जितना हमने शुरुआत में कपड़ा लिया है आखिर तक उतना ही कपड़ा लें। सीधी सिलाई लगा ली है। अब पिन को निकालेंगे और इसे सीधा करेंगे। अब पिन को निकाल के हमने इसे को सीधा कर लिया और अच्छे से इसको इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगानी है हमें। सबसे पहले हम गले की तरफ से कंप्लीट करेंगे इसको। लाइनिंग के कपड़े को अच्छे से साइड करते हुए तब सिलाई लगानी है, बाहर की तरफ दिखना नहीं चाहिए। सिलाई को हम इसके जो कढ़ाई है उसके पास में लगा रहे हैं बिल्कुल। इसी तरीके से हम पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अभी देखिए पूरे गले के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है अच्छे से। अब इसके बॉटम पे भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसी तरीके से हमने बैक वाले पीस को भी तैयार कर लिया है। अब इसके तीरा को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ से गले की तरफ से पक्का कर लेंगे तब इसे सिलना है। इसी तरीके से हम दूसरा वाला तीरा ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए इसमें हम गोल्ड स्लिप्स लगाने वाले हैं। इसका हमने तीरा ज्वाइंट कर लिया है और ये एक हमने पट्टी ली है तो ये हमने 5.5 इंच की ली है। और यहाँ से हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है क्योंकि हमने जो अपनी कोल्ड स्लिप्स में कट दिया है वो 2 इंच पर है, खुल के 4 इंच होगा और 1/2 इंच उसकी जो हम पट्टी लगाएंगे उसमें चले जाएगा तो हमारा होगा 4.5। तो हम इसे लेंगे 2.25। इस तरीके से यहाँ से 2.25 निशान होगा हमारा। तो इस और थोड़ा थोड़ा हमें एक्स्ट्रा भी लेना पड़ेगा तो इस तरीके से। और इस पट्टी के हम बीचा बीच एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये जो हमारा निशान है ये हमारा बिल्कुल बीच में आना चाहिए यहाँ पर इस तरीके से। इसको हम इसके ऊपर सिलेंगे। ये जितनी हमारी पट्टी इधर की साइड है उतनी ही इधर होनी चाहिए। और देखिए इसके बाद इस पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। यहाँ
यहाँ से हम हल्का सा कट लगा लेंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हल्का सा कट लगाएंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरफ से भी छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि अच्छे से ये फोल्ड हो सके और इसे पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसी तरीके से इसका दूसरा भी तीरा शोल्डर आर्म होल्स की साइड से तैयार करेंगे। अभी देखिए हमने बाजू ली है और ये हमने एक 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इस पट्टी को हमें इसके ऊपर सिलना है, जो बाजू में भी हम फोल्ड बनाएंगे वो इस तरीके से। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड हो सके। और अब इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसको अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब देखिए इसको हमें इसमें जॉइंट करना है, तो यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। देखिए इस जगह से जो हमने कोण बनाया है इसको यहाँ पर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसे यहाँ से पतला कर लेंगे। अब इसको हमें यहाँ से जॉइंट करना है। अब इसी जगह से देखिए हमको यह भी जॉइंट करना है। पट्टा कर लेंगे और इसी तरीके से फिर हमें दूसरी वाली बाजू को भी जॉइंट करना है। देखिए बाजू हमने इसमें जॉइंट कर लिया। अब इसकी फिटिंग करेंगे, तो फिटिंग हम अपनी 4.5 पर रखेंगे। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसकी फिटिंग रखें। इसको यहाँ से थोड़ा पतला कर लेंगे और इसे पूरी को सिलेंगे। इसी तरीके से इसकी हमें फिटिंग करनी है। फिटिंग आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से करें जितना आप पहनना चाहते हैं। और जहाँ तक हमने ये कट लगाया था वहाँ तक हम इसे सिलेंगे और फिर यहाँ से वापस सिलाई को लेंगे। इसी तरीके से हम ये दूसरी साइड से भी फिटिंग कर लेंगे। अब देखिए इसको हमने सीधा कर लिया है और इसकी फ्रिल को हमने चारों तरफ से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सिल लिया है। पहले हमने थोड़ा सा एक बार फोल्ड किया, फिर से एक बार फोल्ड किया, तो पूरे पे राउंडली सिलाई लगा ली है। अब ये हमने सीधा किया है और ये हमारी इधर से सीधी फ्रिल है, तो इस तरीके से रखेंगे और ये इसमें अटैच करेंगे। अब इसकी सिलाई करेंगे।
इन दोनों कपड़ों को एक साथ करते हुए हमें सिलाई लगाना है और इसी तरीके से हमें दूसरे फ्रिल को भी ज्वाइन करना है। जिस तरीके से हम इसको कर रहे हैं उसी तरीके से दूसरे फ्रिल को भी करेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसकी फ्रिल आई है और इसके ऊपर इस तरीके से करके कपड़ा ना दब जाए कोई और यहाँ पर दबाने वाली पक्की सिलाई लगाएंगे। इसमें हमने कोई प्लेट वगैरह नहीं लिया है, ये इसका बिल्कुल सही नाप था। आठवां भाग करके लें आप, जो भी आपका चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए फ्रिल काट रहे हो या फिर घेरा काट रहे हो, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से आठवां भाग करके लें तो बिल्कुल सही आता है। ये इसी तरीके से फ्रिल में करेंगे और फिटिंग हमने इसकी कर ली है। इसकी स्लीव फोल्ड करेंगे। अब देखिए इसके बॉटम के ऊपर पहले से स्लीव फोल्ड करने से पहले हम ये लेस सिलेंगे। इसी तरीके से ये हम पूरे में सीधी सिलाई लगा के इस रोड को लगाएंगे। ये इसी की है जो हमने बॉटम के नीचे से कट की थी। ये हमारी चौड़ी बोट है, एक और सिलाई लगाएंगे इसके। अब देखिए ये गोट हमने लगा ली है और अब इस बॉटम को भी यहाँ पर सिलेंगे। ये थोड़ा थोड़ा हम दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड करके सिलेंगे और इसे भी सिल के कंप्लीट कर लेंगे। इस पे दो सिलाई के साथ सीधा ही लगाना है ये भी। और अब इसकी देखिए यहाँ से स्लिट फोल्ड करेंगे। ये हमने पूरे में बॉटम में लगा लिया है। पिछले वाले को ऐसे ही सादा फोल्ड करेंगे। ये एक्स्ट्रा धागे से निकले हुए उनको कट कर लेंगे। पहला फोल्ड हम हाफ इंच पर करेंगे, फिर एक इंच पर करेंगे इस तरीके से। इन दोनों पीस को हमें अच्छे से एक साथ फोल्ड करना है। बाद में हम हाथ से तुरपाई कर देंगे। और इसी तरीके से हम अपने चारों कोने फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से हम अपने चारों कॉर्नर फोल्ड कर लेंगे। अभी देखिए पूरा सिल के कंप्लीट हो चुका है। किस तरीके से बनाया है हमने आपको बता दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।